फ्रेंड्स, पूरे के पूरे यूनिवर्स में चाहे हम लोग किसी भी लेवल की बात करें, जितनी भी चीजें हैं उन सब में एक चीज कॉमन है और वो है मोशन, यानी कि गति। जैसे कि हमारा चलना, दौड़ना या बाइसाइकिल चलाना। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें हमारे शरीर की, तो जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारे लंग्स में जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो सीधे जाती है फिर आती है, तो वो भी एक मोशन है। और इसी तरीके से जो खून है यानी कि ब्लड है, वो हमारी धमनियों में और हमारी वेन्स में यानी कि नसों में बहता ही रहता है, तो वो भी एक मोशन है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें नेचर की, तो पत्तियों का पेड़ों से गिरना, फलों का गिरना, पानी का नदी में बहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी एक मोशन है। और हम लोग बात करें हमारे मैकेनिकल चीज़ों की, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स की या प्लेन्स की, एरोप्लेन्स की, तो वो भी मोशन करते हैं। और अगर हम लोग बात करें एस्ट्रोनॉमिकल लेवल की यानी कि यूनिवर्स की, तो धरती, सूर्य, गैलेक्सी, मून, हर चीज़ कहीं ना कहीं मोशन कर रही है, कहीं ना कहीं उसका मोशन चालू ही है। तो इन सभी चीज़ों में मोशन जो है वो सबसे कॉमन चीज़ है, अगर हम लोग हमारे फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स की, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं तो। अब यहां पे हम लोगों ने बार बार वर्ड का नाम लिया, मोशन मोशन मोशन। तो ये मोशन है क्या, पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मोशन से हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं, देखिए बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर मोशन की देना चाहूं, तो वो यही हो सकती है कि मोशन जो है वो एक चेंज है। अब ये चेंज क्या है, देखिए चेंज है कि किसी चीज का पहले जैसा ना रहना, यानी कि जैसे वो चीज पहले थी वैसा उसका ना रहना, उसमें कुछ डिफरेंट आ जाना, यानी कि डिफरेंस हो जाना, उससे हम लोग चेंज कहते हैं, बदलाव कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो पिछले महीने इस तारीख को, इसी तारीख को मेरा जो वेट था, जो मास था, वो मेजर करने पर मैंने पाया 60 kg था, और अब सेम तारीख को अगले महीने यानी कि आज के दिन मैंने अपना मास मेजर किया तो वो था 65 kg। मतलब मैं पहले से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंस मेरी बॉडी के अंदर आया, मेरे दिखने के अंदर आया, मतलब हर चीज में आ गया, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि मैं पहले जैसा नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ चेंज आया। अब सवाल ये है कि मुझे ये पता कैसे चला कि मेरे अंदर चेंज आया, कैसे मैं पता करूंगा कि मेरी पहले की जो सिचुएशन थी और आज की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसमें कुछ चेंज आ गया है। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, अगर आपसे अगर मैं पूछूं तो आप सीधे कहोगे कि हमें पता था कि पिछले महीने सेम तारीख को मेरा वजन, मेरा जो मास था वो 60 kg था और आज 65 kg है। यानी कि हम लोगों ने पिछले वाली ऑब्जर्वेशन को बेस बना के, अनचेंजेबल क्वांटिटी मान के, फिक्स क्वांटिटी मान के, इस महीने आए हुए चेंज को ऑब्जर्व किया, मेजर किया। तो बस यही है हमारा रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट। यानी कि हम लोग अगर सीधे सीधे बात करें, तो किसी भी चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली होती है चेंजेबल क्वांटिटी, जिसका हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं, जिसका चेंज हम लोग जानना चाहते हैं, और दूसरी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग अनचेंजेबल क्वांटिटी कहते हैं। यह मैं आपको बहुत ही रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अनचेंजेबल क्वांटिटी क्या होती है, जिसके बेस पर, जिसको बेस मानकर, आइडल मानकर हमने इसका चेंज मेजर करना है। जैसे कि वो 60 और 65 केजी वाला मैंने उदाहरण दिया, और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आपके सामने ये कंपनी का ग्राफ है, 10 साल का एक प्रॉफिट ग्राफ है, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इस कंपनी ने इन 10 सालों में हर साल प्रॉफिट पाया। अब यहां पर जो बेसिक मेन, जो मैं अगर बात करूं प्रॉफिट की बात करूं, जिसमें आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट देख पा रहे हो जिस ईयर के अंदर, उसको बेस मानकर बाकी आगे के ईयर्स का हिसाब लगाया जाएगा कि उस कितना चेंज आया, प्रॉफिट पहले से कम हुआ या प्रॉफिट पहले से ज्यादा हुआ, यानी कि किसी एक को, यानी कि इन्होंने मान लिया बेस, यानी कि अनचेंजेबल क्वांटिटी। तो बस यहीं से हमारा मैथमेटिक्स का एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट निकल के आता है, डिफरेंशिएशन का, कि चेंजेबल क्वांटिटी जो है वो किसी एक अनचेंजेबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं। अब अगर मैं वापस अपने मोशन के अंदर आऊं, तो देखिए इस दुनिया की सबसे नोबेल, यानी कि सबसे ज्यादा नोबेल अनचेंजेबल क्वांटिटी कौन सी है, अगर हम लोग हमारे फिजिक्स की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो अब तक की सबसे आइडियल अनचेंजेबल क्वांटिटी है टाइम।
टाइम जो था जो पहले भी वैसा ही चलता था, आज भी वही चल रहा है और आगे भी शायद वही चलेगा, शायद तो क्या कोई डाउट नहीं है। तो जो टाइम है वो एक अनचेंजेबल क्वांटिटी है, और इसी के आधार पर मोशन की हम लोग मेजरमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? टाइम के आधार पर, क्योंकि टाइम भी मोशन में है, टाइम भी चल रहा है, एक फिक्स रेट से चल रहा है। तो जो चीज हम लोगों को अगर किसी चीज को मेजर करना है, किसी मतलब मोशन को अगर मेजर करना है, तो हमें टाइम का यूज करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग बात करते हैं हमारे मोशन की। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए मोशन कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के मोशन की हमने पहले बात कर ली, चलना फिरना दौड़ना जो भी है। लेकिन चूंकि अब हमें धीरे धीरे सारे के सारे कंसेप्ट को अंदर तक समझते हुए जाना है, तो हमें सबसे पहले सिंपल चीज ही उठानी पड़ेगी। ये एक बेसिक आइडिया है हर चीज के अंडरस्टैंडिंग का, चाहे आप न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो, चाहे आप डेरिवेशन अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो। सबसे पहले आप कंसेप्ट वही उठाते हो जो सिंपल है, जो आइडियल है। तो अब यहां पर हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझने की कोशिश करें, तो इसको दूसरी भाषा में रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, जो सिर्फ एक ही लाइन में हो रहा है, जहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात की जा रही है। जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो ये डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स, ये अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने ये देखा ही होगा, 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए मैं इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ये फॉर्मूलाज आपके सामने है, इस तरीके से आप सॉल्व कर देते हैं। इनका डेरिवेशन है, जो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कोस एक्स आएगा, ये हमें पता है मैथमेटिकली। लेकिन एक बार अगर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहूं, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है कि नीचे एक क्वांटिटी है जो अनचेंजेबल ही होगी। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाली जो क्वांटिटी है, नीचे वाली जो डायरेक्शन है, वो एक फिक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, जो इस तरीके से जा रही है। और साइन एक्स जो साइन है, साइन का जो ग्राफ है जो कि इस तरीके से होता है, वो एक्स यानी कि एक्स की ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब मतलब ये हुआ कि इस एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मुझे ये बताना है कि साइन एक्स में क्या चेंज आया। और जब आप इसका चेंज ऑब्जर्व करेंगे कुछ इस तरीके से, तब आपको पता चलेगा कि इस चेंज की वजह से इसका ग्राफ जो है थोड़ा चेंज हो गया कुछ इस तरीके से, और ये बन गया कोस एक्स, ये कोस एक्स का ग्राफ है। मतलब यहां पर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो ये यहां पर मैथमेटिक्स में मत जाइए, यहां पे सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि इस एक्स डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, इस एक्स डायरेक्शन को हम लोगों ने बेस माना और कहा इसी डायरेक्शन में साइन एक्स में कुछ चेंज आया और वो कोस एक्स में चेंज हो गया। इसे ही तो हम लोग डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो यहां पर मोशन के अंदर जो है स्ट्रेट लाइन के मोशन की बात करें, तो इस एक डायरेक्शन में हम लोग साइन एक्स कोस एक्स नहीं लेंगे, हम लोगों के पास होंगे कुछ टर्म्स जैसे कि पोजीशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और फिर कुछ डिराइव चीजें जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक्सेलरेशन, कुछ इस तरीके से। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो हमारे जो आने वाले कंसेप्ट हैं, वो एक्चुअली बने हैं, एक एक करके डिराइव होकर के बने हैं। ये सब चेंज का नतीजा है जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में आए, इसीलिए हम लोग इसको मोशन कहते हैं। तो अब आपको यहां पर जितने भी ये जो हमारे टॉपिक हैं दिख रहे हैं, आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में रेट ऑफ चेंज ही हमें फिजिक्स की इस ब्रांच की तरफ ले जाती है जिसको आप लोग कहते हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स जो है वो बेसिकली हमें ले जाती इस तरफ है। और यहां पर ये जो काइनेमैटिक्स है वो काम कर रही है सिर्फ एक पर्टिकुलर, एक ही डायरेक्शन के अंदर, तभी इस चैप्टर को हम लोगों ने नाम दिया है मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। ये थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली। और देखा जाए तो कई लोगों को हार्ड भी लगता है, पता नहीं क्यों, शायद इसका इंटरप्रिटेशन ढंग से नहीं किया जाता, वरना ये चीज जो है बेसिकली देखा जाए तो बिना प्रैक्टिकल के या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए बगैर समझ में थोड़ी कम ही आती है। क्योंकि आगे क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है, ऐसे जो टॉपिक्स है आपस में उलझ जाते हैं, फिर वो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वगैरह वगैरह। सो फ्रेंड्स, ये है रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट जो कि काम करता है पूरी तरीके से काइनामेटिक्स के अंदर।
तो आई होप आपको ये रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। इसको मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स और थोड़ा सा फिजिक्स में पिरो के बताने की कोशिश की है, एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। अगर आपको इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताइए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी साबित रही होगी, साथ ही आपको एक कंसेप्ट भी ठीक लगा होगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।